अध्यक्ष अखिलेश यादव का जन्मदिन है और उनके जन्मदिन के जश्न में समर्थक हजारों की तादाद में जुटकर उन्हें पीडीए का नायक बता रहे हैं। और अखिलेश हैं कि दिल्ली से यूपी की रणनीति सेट करने की रणनीति पर काम कर रहे हैं। 24 के चुनाव में पीडीए फॉर्मूले के पास होने पर अब पीडीए के डी यानी कि दलितों पर अपना फोकस अखिलेश ने बढ़ा दिया है ताकि 2027 की यूपी की चुनावी राह आसान हो सके। लेकिन सवाल है कि दिल्ली से यूपी की राजनीति कैसे साधेंगे अखिलेश यादव? दलितों का मसीहा बनने का अखिलेश की चाहत पर बीजेपी और बीएसपी कैसे ब्रेक लगाने की रणनीति पर काम कर रही है? डिटेल खबर आपको एक रिपोर्ट में दिखा। पीडीए के साथ साथ बीजेपी भारत की जनता से घबरा रही है। संविधान पर कभी भी आ जाएगी तो समाजवादी लोग जनता के साथ खड़े दिखाई देंगे। इस सरकार में आरक्षण के साथ खिलवाड़ हुई है। बयानों में बार बार पीडीए परिवार और आरक्षण से लेकर संविधान का सियासी हथियार। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव इन दिनों अपने तर्कश से लगातार यही तीर चला रहे हैं। पीडीए की कामयाबी पॉलिटिक्स से उत्साहित अखिलेश इसकी धार को और तेज करने जा रहे हैं। मतलब अखिलेश यादव का अब पीडीए के डी यानी दलित वोट बैंक पर सबसे ज्यादा फोकस है। बीएसपी से दलित वोट बैंक को इस बार अपने गठबंधन में लाने में अखिलेश यादव कामयाब जरूर हुए, लेकिन इस समर्थन को आगे बरकरार रख पाना उनके लिए खासा चुनौतीपूर्ण होगा। बीएसपी सुप्रीमो मायावती अपने पस्त हाथी में जान फूंकने के लिए जनाधार को समेटने की पुरजोर कोशिश में है। वहीं बीजेपी भी इस बाबत अखिलेश को आगे कड़ी चुनौती देने के मूड में है। इसलिए समाजवादी पार्टी दिल्ली से लेकर लखनऊ तक की सियासत में अपने पीडीए यानी पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक में डी यानी दलित पर सबसे ज्यादा जोर देने जा रही है। और अब उत्तर प्रदेश में दलितों को रिझाने के लिए नए सिरे से पार्टी का अभियान चलेगा। यानी अब पीडीए को गांव-गांव तक पहुंचाएंगे अखिलेश यादव। समाजवादी पार्टी का फॉरवर्ड प्लान है जिलों से लेकर गांव तक में पीडीए पंचायत लगाने का। पीडीए पंचायत में समाजवादी पार्टी के दलित नेता अपने समाज की पंचायत लगाएंगे। संसद सत्र खत्म होने के बाद अखिलेश यादव पीडीए पंचायत का मास्टर प्लान फाइनल करेंगे। लेकिन एक तरह से देखें तो इस कैंपेन का आगाज अखिलेश के जन्मदिवस पर ही पीडीए पेड़ के साथ हो गया। लोकसभा में जिस तरह से रिजल्ट आए उससे समाजवादी पार्टी में उत्साह होना चाहिए और उत्साह है, और इस उत्साह को अखिलेश अपने जनाधार में ट्रांसलेट करना चाहते हैं और इसके लिए उन्होंने कई तरीके के की रणनीति बनाई है। इसी में एक रणनीति ये भी है कि गांव में पीडीए पंचायत कराई जाए, लोगों को जोड़ा जाए, पीडीए वृक्ष लगाए जा रहे हैं। तो ये जो जनसंपर्क का अभियान है ये बहुत दिन से लोग सोच रहे थे जो समाजवादी पार्टी के समर्थक हैं कि इस तरह का कार्यक्रम समाजवादी पार्टी को करना चाहिए। तमाम कवायद का मकसद एक ही है, 2024 के चुनाव में समाजवादी पार्टी के साथ आए दलितों को मजबूती से जोड़े रखना ताकि 2027 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी का सत्ता का वनवास खत्म किया जा सके। लेकिन सवाल यह है कि क्या अखिलेश यूपी में 21% की हिस्सेदारी रखने वाले दलित वोट बैंक पर कब्जे की इस जंग में कामयाब हो जाएंगे? 2019 के चुनाव में अखिलेश ये सबक ले चुके थे कि सिर्फ MY समीकरण से जीत की राह नहीं निकल सकती, इसलिए उन्होंने पीडीए यानी पिछड़ा अल्पसंख्यक और दलित वाला दांव चला। पीडीए पंचायत आने वाले समय में समाजवादी लोग शुरू करेंगे। जो समाजवादी पार्टी है, इकलौती पार्टी वो है जो समाजवादी मूल्यों के बचाने का काम कर रही है। यूं तो समाजवादी पार्टी है, लेकिन अगर हम ये भी कहें कि संविधान पार्टी है तो हमारी जिम्मेदारी बढ़ जाती है कि संविधान और लोकतंत्र को बचाएं। आज जो ताकतें काम कर रही हैं वो समाज में जहर घोल रही हैं, दूरियां बना रही हैं। पीडीए के इस दाव से अखिलेश यूपी में लंबे अरसे बाद सियासी तस्वीर बदलने में कामयाब भी हुए और इसमें दलित फैक्टर भी फुल इफेक्टिव रहा। लोकसभा चुनाव में 37 सीटों की जीत में पीडीए का डी यानी दलित अखिलेश की सोशल इंजीनियरिंग का टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। इसलिए अखिलेश का मकसद है 2024 के चुनाव में मिली जीत का रिदम बनाए रखना, यानी किसी भी हालत में ओबीसी वोट न बटे और दलित वोटर्स का साथ न छूटे। पिछड़ा दलित गठजोड़ को धार देने के लिए अखिलेश की प्लानिंग पूरी है, तैयारी भी पूरी है।
अखिलेश ने फैजाबाद से जीते अवधेश प्रसाद को अपने दलित सियासत का चेहरा बनाकर पेश करना भी शुरू कर दिया है। याद कीजिए अखिलेश यादव कैसे एक हाथ में संविधान और दूसरे हाथ में अवधेश प्रसाद का हाथ थामे संसद के पहले दिन सदन गए थे। सदन के भीतर भी अखिलेश ने इसी केमिस्ट्री को बरकरार रखा, उन्हें अपने पास सबसे आगे बिठाया। इसे अखिलेश की पार्टी के साथ जुड़े नए दलित वोट बैंक को और पुख्ता करने की कवायद का हिस्सा माना जा रहा है। इसी रणनीति के तहत अब अखिलेश की पार्टी ने संविधान की रक्षा को पार्टी का मुख्य स्लोगन और आरक्षण को मुख्य मुद्दा बना दिया है। उत्तर प्रदेश की समझदार जनता और वो जनता जिसने संविधान बचाने के लिए मतदान किया, हम उन्हें भरोसा दिलाते हैं कि संविधान पर कभी भी आ जाएगी तो समाजवादी लोग जनता के साथ खड़े दिखाई देंगे। भारतीय जनता पार्टी जब से सरकार में आई है, उनका एक एक फैसला देख लें अगर आप, उसमें आरक्षण के साथ खिलवाड़ हुई है। और आरक्षण की जो मूल भावना थी उसके खिलाफ लगातार भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है। जब से दिल्ली और यूपी की सरकार में आए हैं, मैं यूं कहूं कि पीडीए परिवार के लोगों के साथ भेदभाव हो रहा है। लोकसभा चुनाव में भी एनडीए की लीड लेने के लिए अखिलेश ने संविधान की रक्षा और आरक्षण वाला दांव चला था, जिसके बाद आरक्षण को लेकर कट्टर दलित वर्ग चुनाव में पूरी तरह से समाजवादी पार्टी की ओर एक तरफा चला गया। बसपा के सामने बड़ी चुनौती है कि वो कैसे अपने जनाधार को जो गिर गया है उसको कैसे वापस रिकवर करें और अपने जो उनका पैठ गांव में थी पहले उसको फिर से वापस पाएं। उसमें बहुत से सवालों से बसपा जूझ रही है, खास तौर पे समाजवादी पार्टी के द्वारा जो संविधान की रक्षा और संविधान को बदलने, आरक्षण को खत्म करने, ये जो नैरेटिव उन्होंने गांव में चला दिया है, इसको भी बीएसपी को काउंटर करना पड़ रहा। देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश का मायावती से मुंह भंग हुआ तो दलित वोटर्स दो फाड़ में बट गए। एक समूह अंबेडकरवादी दलितों का था, जबकि दूसरा जो समूह था वो हिंदुत्ववादी दलितों का था। अंबेडकरवादी दलितों ने लोकसभा चुनाव में अखिलेश की पार्टी समाजवादी का खुलकर समर्थन किया, हालांकि उन्हें अभी भी स्थायी ठिकाने की तलाश है। जबकि जो दूसरा समूह यानी हिंदुत्ववादी दलितों का था उसकी तलाश बीजेपी में जाकर खत्म हो गई है, ऐसा कहा जा रहा है। लोकसभा चुनाव के नतीजों पर नजर डालें, यूपी में इंडिया अलायंस को दलित वोटों में 25% वोट जाटुओं का मिला और करीब 54% गैर जाटुओं का मिला। वहीं 24% जाटुओं का वोट एनडीए को मिला और 29% वोट नॉन जाटुओं का मिला, जबकि बीएसपी को 44% वोट जाटुओं का साथ ही मिल पाया, वहीं 15% नॉन जाटा वोट मिले। जाटा वोटर्स का 44% हिस्सा अभी भी बीएसपी के साथ रहा, लेकिन उनके 25% वोट समाजवादी पार्टी और कांग्रेस लेने में सफल रही। अखिलेश के लिए जोश बढ़ाने वाली बात यही है। हालांकि क्या अखिलेश अपने साथ ये दलित वोट इंटैक्ट रख पाएंगे? पीडीए के डी यानी दलित वोट बैंक पर फुल अटेंड देने वाले अखिलेश इसमें कितने कामयाब होंगे? बीजेपी या बीएसपी में किसकी मुश्किलें बढ़ेंगी ये बात की बात है, लेकिन अखिलेश के पीडीए की एक और परीक्षा उत्तर प्रदेश में 10 सीटों के लिए होने वाले विधानसभा उपचुनाव में होगी। इसमें अखिलेश को ये साबित करना है कि लोकसभा चुनाव में मिली कामयाबी कोई तुक्का नहीं था। इस बार यूपी लोकसभा चुनाव में जीत और हार का सबसे बड़ा फैक्टर था दलित वोट बैंक। इस बार यूपी में विधानसभा के उपचुनाव होने जा रहे हैं और उसमें ये तय हो जाएगा कि दलित वोट बैंक का मसीहा कौन बनेगा। बीएसपी का वोट बैंक उससे टूट रहा है और उस वोट बैंक को हासिल करने के लिए कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच में होड़ मची हुई है। लेकिन बीएसपी भी अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है ताकि अपने कोर वोट बैंक को वो दोबारा हासिल कर सके। लेकिन इन सब के बीच में एक दिलचस्प लड़ाई बीएसपी और चंद्रशेखर आजाद की पार्टी में भी देखने को मिलेगी। लेकिन अब देखना ये है कि इन सब में कौन सी पॉलिटिकल पार्टी दलितों का दिल जीत पाती है। क्योंकि आजाद समाज पार्टी की चंद्रशेखर, जिनकी भीम आर्मी जो अभी 10 साल की भी नहीं हुई है, पश्चिमी यूपी तक ही सीमित है। हालांकि संसद में शपथ के दौरान चंद्रशेखर और अखिलेश यादव के हाथ मिलाने को लेकर भी कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। बड़ा सवाल यह है कि दलितों को पूरी तरह अपने पाले में लाने के लिए बेकरार अखिलेश के खिलाफ बीएसपी और बीजेपी का काउंटर प्लान क्या है। चूंकि एनडीए ने जाटुओं के बीच अपने वोट शेयर में सुधार किया है, 2019 में उसे जाटुओं का सिर्फ 17% वोट मिला था, जबकि 2024 में उसका वोट शेयर बढ़कर 24% हो गया।
इस बार यूपी से बीजेपी के दो दलित सांसदों को मोदी सरकार में जगह मिली है। यूपी से दलित समुदाय से आने वाले कमलेश पासवान और एसपी वघेल मंत्री बने हैं। वहीं आरएसएस ने अब दलितों और पिछड़े वर्गों तक पहुंच बनाने का फैसला लिया है। अब इन समुदायों पर ज्यादा कार्यक्रमों की कवायद की जा रही है। वहीं बीएसपी की बात करें तो डैमेज कंट्रोल के लिए पार्टी में बैठकों का दौर शुरू हो चुका है। बीएसपी में मायावती ने फिर से कमान और अपना उत्तराधिकारी दोनों अपने भतीजे आकाश आनंद को सौंप दिए हैं। लेकिन क्या आकाश आनंद बीएसपी को पुराना मुकाम दिला पाएंगे? क्योंकि एक तो उनका मुकाबला यूपी के कद्दावर नेताओं बीजेपी के योगी आदित्यनाथ और समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव से होगा, वहीं दूसरी तरफ चंद्रशेखर भी चुनौती बने खड़े हैं। अब आने वाले दिनों में अगर मायावती कोई ऐसा कदम नहीं उठा पाती हैं और खुद बीजेपी जो दलित वोटर्स पर नजर लगाए हुए थी, अगर वो यही ट्रेंड बना रहता है तो 2027 के चुनाव में भी बड़ा नुकसान हो सकता है इन पार्टियों को। और बीएसपी के लिए तो चुनौती इसलिए भी बड़ी हो चुकी है क्योंकि चंद्रशेखर चुनाव जीत चुके हैं और दलित जब पॉलिटिक्स का नैरेटिव होगा उसमें फिलहाल पलड़ा भारी है चंद्रशेखर का। ये तमाम चुनौतियां मौजूद हैं इस वक्त बीएसपी के सामने, इनसे पार पाना मायावती के लिए बड़ा सरदर्द। हालिया सियासी तस्वीर तो यही कहती है कि बीएसपी अब अस्तित्व के संकट में फंस गई है। हालांकि बीएसपी हो या बीजेपी, दोनों के सामने मुख्य चुनौती समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की तरफ शिफ्ट हो रहे दलित वोट को रोकना है। वहीं अखिलेश चाहते हैं कि लोकसभा चुनाव में साइकिल पर सवार हुआ दलितों का ये वोट महज हालातवश न होकर स्थायी साझेदार बने, क्योंकि 2027 में यूपी की सत्ता में पहुंचने का ख्वाब पूरा करने के लिए भी ये बेहद अहम है। इसलिए साथ और साझेदारी का संदेश डी यानी दलितों को साधने के लिए हर मौके पर दिया जा रहा है, लेकिन 2027 में वोटों के गणित के साथ परसेप्शन की केमिस्ट्री साधने में समाजवादी पार्टी कितना कामयाब होगी, इसका ट्रेलर यूपी में विधानसभा उपचुनाव में दिख जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत।